कैसे चुंबकत्व ने खुद को पृथ्वी के अंदर बंद कर लिया। एक परमाणु की छवि जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भरे केंद्रीय नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का झुंड होता है। ये विज्ञान की हमारी अवधारणा में उसी तरह प्रतिष्ठित है जैसे डीएनए हेलिक्स या शनि के छल्ले। लेकिन इन वैज्ञानिक मूल सिद्धांतों की सतह को जितना भी खरोंचें, हम और भी गहराई तक जा सकते हैं और हमारी दुनिया को नियंत्रित करने वाली और भी अधिक शक्तियों की खोज कर सकते हैं। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट फ्रैंक क्लोज ने अपनी नई पुस्तक Why Does Gravity Rule? में इन्हीं मूल ताकतों के बारे में समझाने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पृथ्वी के लिए चुंबकत्व गुरुत्वाकर्षण से भी अधिक ताकतवर है। अपनी किताब में उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि धरती पर चुंबकत्व कैसे विकसित हुआ। फ्रैंक क्लोज के मुताबिक चुंबकत्व विद्युत का ही एक रूप है और इसके विपरीत भी। दोनों शुरू से ही हमारे आसपास के वातावरण में मौजूद रहे हैं। आज से करीब 5 अरब साल पहले जब धरती का जन्म हुआ तब यह विद्युत धाराओं का गर्म प्लाज्मा थी। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी। जैसे जैसे मैग्मा ठंडा हुआ और पृथ्वी के सॉलिड आउटर क्रस्ट में बदला, चुंबकत्व लोहे वाले खनिजों में लॉक हो गया। आज भी धरती के लिक्विड कोर में विद्युत धाराएं बनती है जिससे एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। ये हमारे वायुमंडल में और उससे भी कहीं आगे तक फैला है। लेकिन पिघले हुए कोर में अपने स्रोत से ऊपर आकाश तक फैलते हुए ये सबसे पहले पृथ्वी की पपड़ी में प्रवेश करता है। इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के भीतर गुरुत्वाकर्षण से भी अधिक शक्तिशाली बल कार्यरत है जिसका प्रभाव बहुत दूर तक फैला हुआ है। कैसे हुई चुंबकत्व की खोज? 4 अरब साल पहले जब पृथ्वी की सतह ठंडी हुई तो परमाणु तत्व परतों में जमा हो गए। इनमें से सबसे स्थिर लोहा आज क्रस्ट में सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है। ज्वालामुखीय लावा से आग्नेय चट्टानें बनी। इन चट्टानों में ये गुण होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में उनके लोहे के परमाणु सैनिकों की तरह काम करते हैं क्योंकि वे स्वयं चुंबकीय बन जाते हैं। इसका उपयोग लोकप्रिय प्रदर्शनों में किया जाता है जहां बार चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया जा सकता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी काफी कुछ बार मैग्नेट जैसा है जो उत्तरी दक्षिणी ध्रुव और अंतरिक्ष में दूर तक फैला हुआ है। अंतरिक्ष में लोहे का एक टुकड़ा नहीं है लेकिन पृथ्वी पर पहाड़ियों चट्टानों और पहाड़ों में बड़ी मात्रा में लौह अयस्क मौजूद हैं। दुनिया के कई हिस्सों में ये चुंबकीय समूह काफी व्यापक है जैसे कि एशिया माइनर में एल्बा द्वीप और माउंट डा। इन चुंबकीय चट्टानों को लोडस्टोन या मैग्नेटाइट कहा जाता है। निश्चित रूप से मनुष्य ने लौह युग से ही चुंबकत्व की शक्ति की पहचान कर ली थी। आकाशीय बिजली भी विद्युत धारा की एक चमक है जो तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है और लौह चट्टानों को आकर्षित करती है। 16वीं सदी आते आते कई विदेशी यात्रियों ने पूर्वी भारत और चीनी तट से चुंबकीय पत्थरों के मिलने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। फ्रैंक क्लोज अपनी किताब चार्ज Why Does Gravity Rule? में बताते हैं कि कैसे चुंबकत्व गुरुत्वाकर्षण की छाया में कहीं दब सा गया जबकि इसने पृथ्वी की संरचना और इतिहास में अहम भूमिका निभाई है।